रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे जो आपको पैगाम पहुँचाना था वो आपने सुन लिया होगा। आज सबसे पहला जो वजीफा आपके साथ पेश किया जाएगा, पैगाम निकाह के कबूल होने का पहला वजीफा होगा। नंबर एक में मैं ये बात समझा दूँ कि इसका इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे, ना ही शरीयत के खिलाफ जाकर आप करेंगे, ठीक है। तो आपने जो आयात स्क्रीन पर चल रही है वो स्क्रीन से आयात आप नोट करोगे, कॉपी पर लिख लोगे पेंसिल से, तो फिर आपने क्या करना है, वो जो आयात आप बनाओगे उसको मोमी कागज में, यानी किसी जैसे कि पानी ना उस आयात तक पहुंच सके, आपने वो आयात को बनाकर अपनी बाजू पर बांध देना है। और जिस तरह से आपका रिश्ता आया था या आना था, या आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता उस तरफ से आए, या मेरी खाला की तरफ से, मेरे मामू चाचू या किसी, आप चाहते हैं या बहनें चाहती हैं, इस तरह का अगर कोई मसला है तो इसका ये तरीका है कि आपने वो आयात अपनी बाजू पर बांध देनी है जो ऊपर चल रही है। बाजू पर बांध कर आपने आयात को, तो जहां आपने पैगाम भेजना है या आप चाहते हैं कि वहां से हमें कोई अच्छा पैगाम आ जाए, तो पर आयात अपनी बाजू पर बंदी रहने देना है। बहनों के लिए ये बात है कि वो मेरी बात समझ रही होंगी कि ये आयात किस वक्त आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दिनों का हिसाब होता है, उस दिन में आप वो आयात उतारें तो वो अपने पास रख लें उसके बाद, ठीक है। तो आपने ये आयात जो है एक कागज में, शापर वाले कागज के अंदर, जैसे पॉलिथीन के शापर होते हैं उसके अंदर इसको पैक करके, तो आप अपनी बाजू से बांध दें, तो जब तक ये आयात रहेगी तब तक आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी, ठीक है। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन तरीका इस्तेमाल करने का है कि आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये आयात बहुत नायाब है, ये आप जरूर कीजिएगा। इसी अमल के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, और जहाँ आपकी दिली ख्वाहिश भी है तो मैं चाहती हूँ कि वो भी पूरी हो जाए। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।